नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मीरपुरा से, जहां पे एसआर टैंक से चोरी होने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एसआर टैंक से कई सारा सामान है, हिमाली परियोजना से जो पाइपलाइनें आ रही हैं उसमें से कई सामान जो चोरों ने गबन कर दिया है। आपको बता दें कि एसआर टैंक से कई सारा मीरपुरा से व दासानिया की टंकी से भी चोरी होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मीरपुरा व दासानिया गांव में टैंक से चोरी होने की खबर आ रही है। चोरी मीरपुरा में 20 जून की रात को हुई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस में मामला भी दर्ज, शेरगढ़ थाने में मामला भी दर्ज कर दिया गया है, जाँच जारी है। हालांकि तब पता चलेगा कि किसने चोरी की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मीरपुरा एसआर परिसर से क्या क्या चोरी हुए उसकी रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्विच वाल, ट्रांजेक्शन जॉइंट 2, सुटपुट बैंड एमएस 1, पाइप 3 मीटर जिनकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपये आंकी गई है। आपको बता दें कि 16 जून को दासानिया टैंक से भी चोरी होने का वही मामला आया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक दासानिया की टैंक से और मीरपुरा परिसर से ये चोरी होना, ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये शेरगढ़ के ही दो गांवों में से चोरी होना, जिसके तहत पानी की सप्लाई है जो कई दिनों तक बंधित रह सकती हैं। आपको बता दें कि शेरगढ़ थाना में प्रशांत सेन ने जो कि मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि जहां पे मीरपुरा के अंदर, आपको बता दें कि जहां मौके के ऊपर प्रशासन आई थी, वहीं आपको बता दें कि सरपंच लादू खान भी मौजूद रहे। सरपंच लादू खान ने बताया कि 20 जून की रात को एक चोरी हो गई, जिसके तहत ये चोरी का सामान तकरीबन 80,000 रुपये आंका गया है। मामला शेरगढ़ पुलिस थाने के अंदर दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि अभी फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन किसी तरह से जल्द जितना हो सके अपील है कि पानी तुरंत शुरू किया जाएगा। लेकिन ये चोरी की घटना लगातार दूसरी बार सामने आई है। आपको बता दें कि पहली घटना है जो दासानिया की टैंक से है और दूसरी मीरपुरा से चोरी होना। आपको बता दें कि दासानिया की टैंक से 16 जून को चोरी होना, वहीं 20 जून को मीरपुरा टैंक से चोरी होना, ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हो सकता है ये अज्ञात के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक कब तक संज्ञान में ये लिया जाएगा और कब तक इसकी चोर है जो उनके दबोचा जाएगा उनको, ताकि ऐसा और मामला सामने ना आए। और वहीं आपको बता दें कि दोस्तों, ताकि जल्द से जल्द हो सके ग्रामीणों को पानी की पूर्ति की जा सके और पानी को मिल सके और उनसे राहत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और एक नई खबर की ओर से। धन्यवाद।